राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर आज कोर्ट रूम में सुनवाई थी। कोर्ट रूम में जो सुनवाई थी उसका केस नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूं और कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर हमेशा आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी। तो अगर मैं बात करूँ कोर्ट रूम की, तो यहाँ पर जो कोर्ट में केस लगा था वो राहुल के नाम से लगा था, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से लगा है। एडवोकेट का नाम है अंकुर सिधार। जो इस केस को रजिस्टर किया गया था वो 7 जून को किया गया था और जो केस जो लगाया है उसके ऊपर आज 24 जुलाई को फैसला आ चुका है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है ये केस, जो कोई जज साहब हैं हरसिमरन सिंह सेठी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो केस था आज कोर्ट रूम 28 में लगा था। इसमें जज साहब ने आयोग को, एचएसएससी चेयरमैन को या फिर डिपार्टमेंट को बोला है कि आप अगले 15 दिन के अंदर जो डिटेल रिजल्ट में जो खामियां थी, जो सोशियो इकोनॉमी में जो नंबर जिनके गलत क्लेम है या फिर कैटेगरी का कोई इशू है, कुछ भी जो इशू है उसको ठीक करके प्रॉपर तरीके से आप डालिए, उसके बाद में ही आप एग्जाम लीजिए। तो ये बात बोली गई है जज साहब के द्वारा। अगर मैं बात करूं तो कोई स्टे वगैरह कुछ है नहीं, 15 दिन ऐसा नहीं है कि 15 दिन तक स्टे लगा दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आयोग आज डिटेल रिजल्ट जारी कर देता है, कल कर देता है, परसों कर देता है, 5 तारीख से पहले पहले कर देता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम जो है वो आराम से 5 और 6 को हो सकता है। अगर आयोग की खुद की ही मंशा नहीं है कि हमें एग्जाम अभी लेना ही नहीं है, तो वो इसमें डिले कर सकता है और कोर्ट का बहाना ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा लेते आए हैं, ये तो आपको भी पता है। लेकिन जहां तक इनपुट है, जो डिटेल रिजल्ट जो है वो पूरा तैयार है, सिर्फ पब्लिश करना है, चाहे वो कल ही पब्लिश कर दें, ठीक है, तो पब्लिश करना है, बाकी सब कुछ तैयार हो चुका है, जो कमियां थी वो ठीक हो चुकी हैं। इसके बाद में भी अगर कमियां रहती हैं तो वो कह नहीं सकते, लेकिन जो कमियां उन्होंने 20,000 बच्चों के आसपास आंकड़ा था जो कि ठीक किया जा सका है, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर चेयरमैन साहब या फिर HSSC की मंशा हुई ना, तो वो 5-6 को आराम से एग्जाम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 दिन तक एग्जाम नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अगर कोई यूट्यूबर अगर आपको ये बात फैला रहा है कि भाई 15-16 दिन तक एग्जाम नहीं होंगे, तो बिल्कुल गलत फहरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन और या फिर आयोग कल ही अगर डिटेल रिजल्ट जारी कर देता है तो एग्जाम का नोटिस वो कभी भी जारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बाकी इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, शाम को जो है बिल्कुल डिटेल रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे ही डिटेल रिजल्ट आता है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। अभी तक यही अपडेट थी। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।